हाय फ्रेंड्स, अब हम मुर्गियों के एक फार्म को आए हैं जो इसे हर यहाँ पर हर एक मुर्गा है। और ये आप दादा से मिलिए। दादा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अयूब। अयूब, तुम्हें कितने साल से रख रहे दादा ये मुर्गियों के फार्म? मैं भी 4 साल से रख रहा हूँ। 4 साल से रख रहे हैं? 4 साल से रख रहा हूँ। आपको अब तक कितना खर्चा आया दादा ये सब मुर्गियों से? ये सब मुर्गियों में अब तक 1 लाख रुपये खर्चा है। 1 लाख रुपये खर्चा है। इसके आपके पास कौन से ब्रीड है मुर्गियों के? मेरे पास सैलम के ब्रीड है। सैलम के ब्रीड? सिर्फ सैलम? हाँ। ओमर, पिकॉक, पैरोट? ओमर के नहीं, कोई नहीं। कौन से? सिर्फ सैलम के है? खाली सैलम के है। सैलम के मतलब एज क्या? सैलम पूरे हैं? हाँ, ये सैलम का। अच्छा अच्छा, वो मुर्गा है, मुर्गा है, वो बच्चे है। अच्छा 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 अच्छा, आपके पास कितने मुर्गे हैं प्रेजेंट? मेरे पास 3 मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गा है। अच्छा अच्छा, इसकी उम्र क्या रहती है? इसका लाइफ स्पैन क्या है इसका? इसका लास्ट में तो 3 साल ही थे। तीन चार साल तक रह सकते थे? हाँ, 3-4 साल तक रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप अब तक इसमें कितना पैसा खर्चा करें? अब तक इसमें खर्चा करो तो कम से कम 30-40 हज़ार में खर्चा कर रहा हूँ। 30-40 हज़ार खर्चा करते? हाँ। डेली खर्चा कितना आता है दादा इनको, मतलब खाना पीने के लिए? खाना पानी के लिए अच्छे से अच्छा खुराक देना बोल के रोज का 150 रुपये तो आता मिनिमम। रोज का 150 रुपये? अब खाने में क्या क्या डालते हैं इनको? हमें इसमें बाजरा डालते हैं। हाँ, बाजरा है, हल्दी है, बादाम है, अखरोट है। हाँ, और आटा डालते हैं। अच्छा अच्छा, और आप आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा क्या कुछ? खा पी के तो बराबर है, फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। अच्छा अच्छा, फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और खाना इसे कब कब डालते हैं आप? इसे सुबह में 1 टाइम देता हूँ, दोपहर में, शाम में। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, और शाम में एक बार। शाम में एक बार। और इसके डीलिंग्स आप कैसा करते हैं? मतलब आप खरीदने वाले आपके पास ही आते हैं क्या? नहीं, आते हैं हमारे पास वो। हाँ, आके उन्हें देखते हैं, देखने के बाद उनको क्वालिटी पसंद आता है तो लेते हैं उन्हें। हाँ। अच्छा, और इसका वेट कितना रहता है एक मुर्गी का? वेट वजन कितना रहता है इसका? इसका वजन आ जाएगी 4 किलो रहता है, 6 किलो, 6 किलो रहता है। और ये आ जाएगी मिनिमम 6 किलो, 5-4.5 किलो भी आता। मुर्गी आ जाएगी 3.5 किलो, 2.5 किलो भी रहती है। हाँ, 4 किलो की भी रहती है। अच्छा अच्छा, इसके साथ क्या तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्या? मतलब आपको क्या तो परेशानियाँ मिल रही क्या ये मुर्गी से? परेशानियाँ तो बहुत है इसमें, और क्या है जो बीमारियाँ आती रहती है इसे। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर अच्छा निगरानी रखना। अच्छा, कब कौन सी बीमारी आती, क्या आती, क्या नहीं, उसके ऊपर पहले निगाह रखना। अच्छा अच्छा, और क्या रहना है तो पूरा मैदान साफ सफाई रहना, मैदान पूरा साफ सफाई, साफ सफाई रहना, गलीज नहीं रहना। अच्छा अच्छा, ज्यादा गलीज रहने से बीमारियाँ आती हैं। अच्छा अच्छा, ना ज्यादा नीटनेस रखना। अच्छा अच्छा, और इसका अंडे अंडे दे रहे क्या? अंडे दे रहे हैं, अब एक मुर्गी आ जाएगी 12 देती है, कोई मुर्गी 15 भी देती है, कोई मुर्गी 10 भी देती है। 10 भी देती है। हाँ। अच्छा, आप बता सकते हैं इसका अंडे का प्राइस कितना है? अंडे का ये क्वालिटी पकड़ के रहता है, क्वालिटी पकड़ के रहता है, क्वालिटी रहता है। इसमें आ जाएगा 1000 से 2000 तक भी एक अंडा है। एक अंडा 2000 तक का भी है। इसके अंदर जो है 1-2 लाख, 1.5 लाख का भी मुर्गा भी है इसमें। 1-2 लाख मुर्गा भी है इसमें। 2-2.5 लाख, 3 लाख तक का भी है। अच्छा, क्वालिटी अच्छा। पकड़ के रखा। अच्छा अच्छा, मामूल से सैलम का बोलते 3000-4000 का, तो उसका अंडा जाके 100-150 को जाता हूँ। अच्छा अच्छा, जो मुर्गा 50,000 का 60,000 का भी रहेगा ना, तो उसका अंडा रहे तो 500-600 के अंडा जाता। और क्या तो लेने वाला वो चाहिए बेवकूफ नहीं रहता, बड़ा चाला करता, उसे भी जानकारी रहती है। अच्छा अच्छा, उन्हें लेता, जिसको जानकारी नहीं रहती है क्या इसका अंडे का रेट इतना रेट है क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जानकारी में तो लेता हूँ। अच्छा अच्छा, और ये मुर्गा किस चीज़ के लिए पालते हैं? मतलब जस्ट पालने के लिए या काट कर खाने के लिए? खाली शौक, शौक और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, खाली शौक कन्वर्ट, खाली शौक के। प्राइस हर साल बढ़ते रहता है क्या, या मतलब कुछ कम होते रहता? वो क्या है बोलो तो, अगर क्या तो ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो जब भी इसका रेट उतरता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बीमारियाँ क्या तो रहेंगे ना। अच्छा, जब भी इसका रेट उतरता, अगर कहते बीमारी बीमार क्या भी नहीं बोले तो इसका क्या भी रेट उतरता नहीं, और भी उसका रेट चढ़ते जाता। इसके बच्चों का प्राइस कितना है दादा? बच्चों का फ्रेज आ जाएगी, एक बच्चा अच्छा क्वालिटी का लेना हो तो 5,000 से स्टार्ट है। अच्छा क्वालिटी का, आपके पास है क्या कुछ बच्चे? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे पास। एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकते हैं, अभी 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ये बच्चा। अच्छा अच्छा, अरे जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, 3 बच्चे हैं।
मतलब जवारी मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं। अंडे रखे हमें क्यों? जवारी क्या है बोले तो उसी की मुर्गी का अंडे बिठा तो और अच्छा रहता था। उसी की मुर्गी के? हाँ हाँ, मुर्गी। अब ये मुर्गी अंडे डालते ना, उसी को बिठाए तो और अच्छा रहता, हमारा फायदा रहता। अच्छा। बीमार है तुम नहीं रहते। और अच्छा, क्या है बोलते जब मुर्गी बैठती है ना, इससे जिससे जो खून जो है, अच्छा अच्छा, वो अंडे में जाता हूँ। अच्छा, इसका बच्चे का प्राइस कितना बोले? मीट का प्राइस कितना रहता बच्चे का? अच्छी क्वालिटी है तो 5,000। अच्छी क्वालिटी है तो 5,000, मतलब रेट स्टार्टिंग ही 5,000 है? स्टार्टिंग 5,000। अच्छा अच्छा। अब आपको कुछ अलग जॉब है क्या? बस इसमें ही रहते हैं आप? नहीं नहीं, इसी में हमारा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, बस इसे ही मुर्गियाँ का ही देख लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और इस पर अब रात को कहाँ रखते हैं इसे? ये बोन में रखता हूँ। रात में बोन में रखते हैं? और दो बोना है क्या इनके लिए? एक को जो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें भी रखता हूँ। एक एक बोन बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है। अच्छा, आप इसे क्लीन करते हैं क्या बोन? आप क्लीन करना, साफ करना, झाड़ू मारना। अच्छा अच्छा, झाड़ू मारते हैं। और ये इधर भी बोन है ना आपके पास? अब ये भी एक बोन है। अच्छा, ये भी छोटा बोन है। ये एक बोन और इधर भी है, ये एक बोन। अच्छा अच्छा। और आप एक एक मुर्गे को पकड़ कर एक दिखाओ दादा, हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सा मुर्गा है दादा? ये जिलगा बोलते हैं इसे। इसे जिलगा बोलते हैं? हाँ जिलगा। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें खूबियत क्या है इसमें जिलगा बोलने के लिए? खूबियत क्या है बोले तो ये मैनम जुटू नहीं है। मैनम जुटू? अच्छा अच्छा। मैनम जुटू रहता तो इसकी अच्छी कीमत होती थी। अच्छा अच्छा। ये काकर का जुटू बोलते हैं इसे। काकर का जुटू? हाँ। अच्छा दादा, और एक क्या है तो व्हाइट पावा है, इसके पीले कलर के पावा रहते हैं। इसका और कीमत आता? व्हाइट पावा है और पावा भी बहुत अच्छे है, मोटे है। अच्छे मोटे है। अच्छा अच्छा, इसका सिर भी अच्छा है। हाँ। और एक क्या है तो दुम जो है ज़्यादा लंबी नहीं है। दुम ज़्यादा लंबी नहीं है? ज़्यादा लंबी नहीं है। और क्या है तो टेम्पर कम है। अगर क्या तो टेम्पर अच्छा रहता था ना तो इसकी कीमत और अच्छी थी। अच्छा अच्छा। और टेम्पर मतलब लंबा, लंबापन क्या? टेम्पर बोले तो ऐसे ठहरना सा, ठहरना। अच्छा, पिकॉक के जैसा? हाँ पिकॉक ऐसा रहना। अच्छा अच्छा, ऐसा तो इसकी कीमत और अच्छी आती थी। क्या है तो इसकी दुमा भी जरा। और इसकी कीमत क्या है इसका मुर्गा? इसका कीमत आ जाएगी 14,000। 14,000 को जाएगा। और कितने साल है, कितने महीने का है? अभी ये आ जाएगा 12 महीने का है। 12 महीना मतलब एक साल हो गया। दूसरा साल इसका रनिंग है। दूसरा साल रनिंग है? हाँ। अच्छा, आप इसे काम पर लिए थे, घर पर ही? नहीं, इसे अनंतपुर से लाया था। अच्छा अच्छा, इसे अनंतपुर से लाए थे क्या? अच्छा अच्छा। और आप दूसरा दिखा सकते हैं क्या कुछ? और एक मुर्गी है, ब्लैक काली मुर्गी है, तो यही देख सकते हैं व्यूअर्स आप। इन्होंने ऐसा सेटअप कराया है, यहाँ पर हर एक मुर्गी देख सकते हैं, हर एक ब्रीडिंग मुर्गी है, सैलम या ओमर। अगर आपको किसी को भी मुर्गा चाहिए या मुर्गी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मुर्गा है, ये 15,000 बोल रहे हैं वो, ये सैलम ब्रीड है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मुर्गियाँ है, मुर्गे हैं। तो इन्होंने सेटअप ऐसा बनाया है। और आपको इन्हें खाने में के लिए, खाने के लिए आप ये देखिए, बाजरा, चावल और घी डाल रहे हैं। और ये देखिए दादा, हमारे दादा ने कुछ और एक, ये मुर्गा है दादा? हाँ मुर्गा है। अच्छा अच्छा, ये मुर्गा है। अभी मुर्गा है, अभी बच्चा है अभी ये। अभी ये बच्चा है क्या? हाँ बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है। अच्छा अच्छा, 7 महीने का बच्चा है। अभी अच्छा होना, अच्छा स्टडी में आना बोलते, और 4 महीने जाना, और 4 महीने जाना अभी 4 महीने का, तो 11 महीने का हुआ तो एकदम स्टडी में होता। अगर से अभी बच्चा है, 7 महीने का बच्चा, अगर 11 महीना होगा तो वो हाइट वेट बहुत बड़ा होगा ना? और भी हाइट होता है, दुम्मा भी अच्छी आती है। दुम्मा भी अच्छे आते हैं? अच्छा अच्छा, दुम्मा भी अच्छी आती है, इसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। क्वालिटी भी चेंज होती है? हाँ क्वालिटी चेंज होती है। अभी क्या बच्चा है ये? अच्छा अच्छा, ये 7 महीने का बच्चा, 7 महीने निकल गए लो, 8वां महीने रनिंग। अच्छा अच्छा, इसे खाने में क्या क्या देते दादा? खाने में बादाम देते हैं, काजू देते हैं, मुनक्का भी रखता हूँ मैं। अच्छा, मुनक्का और फलियाँ रखता हूँ। अच्छा, और जरा बाजरा रखता हूँ। अच्छा दादा, अंडा भी रखता हूँ इसे। अंडा भी डालते हैं? अंडा भी मैं रखता हूँ इसे। अच्छा अच्छा, और
ये दादा अंडा हर रोज रखते दादा? हाँ डेली देते भी अच्छा रहता है, कभी देता हूँ कभी नहीं भी देता हूँ। अच्छा अच्छा दादा ठीक है। और व्यूअर्स आप देखते हैं कि छोटे बच्चे, ये 5,000 का प्राइस है इसका, ये छोटे बच्चे का 5,000 प्राइस है। और वो और ये काली मुर्गी है ना दादा, ये अंडेम्पर है क्या? नहीं नहीं, अब ये भी 7 महीने की जो। अच्छा अच्छा, ये भी बच्ची क्या? ये भी बच्ची, ये हमारे घर में पैदा हुई, सब बच्ची मैं लाया था घर में पैदा हुई सब बच्ची। अभी पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा दादा, मैं नहीं दे रहा हूँ। कितने इसका प्राइस क्या है दादा, बता सकते हैं क्या? अब इसका प्राइस आ जाएगा 15-16 हज़ार में है। अब 15-16 हज़ार है दादा इसका प्राइस। अच्छा अच्छा, ये ब्रीड भी सैलम ब्रीड है। अच्छा अच्छा, इसका अंडा, एक अंडा 500 रुपये, 500 रुपये एक अंडा, 500 रुपये। चुलका मुक्को बोलते हैं इसे, चुलका मुक्को बोलते हैं। हाँ चुलका मुक्को बोलते हैं। अच्छा अच्छा दादा, क्या ऐसे बहुत कम मिलती? कम ब्रीड ओमर बोलते हैं ना ये है क्या? नहीं मतलब ये शक्ल में ना कम आते, बहुत कम आते शक्ल में, कम आते कम आते। ये शक्ल में ऐसे मुर्गा हो या मुर्गी तो फुल डिमांड है उसे, फुल डिमांड है। हाँ अभी ज़्यादा से। अच्छा अच्छा, अब तो इसका प्राइस आप कितना है दादा? अभी इसका प्राइस है 15,000 है। 15,000 है दादा इसका प्राइस। अच्छा अच्छा दादा, बहुत अच्छा है, बहुत हाइट भी जा रहा है वो ना। अभी ये तो बच्ची है ना, ये तो बच्ची है। अच्छा अच्छा, और बड़ा हो गया तो बड़ा होता और अच्छा हाइट आता है इसका। अच्छा 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 दादा, और इसे ये क्या दादा, आप क्या कुछ मिला कर रखे हैं? ये आटा है, आटा है, आटा है ना, बाजरा, बाजरा, घी, घी, चावल, चावल। अच्छा, मिक्स करके, सब मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा अच्छा दादा, आपके पास कितने है दादा पूरे मुर्गे? मुर्गे मुर्गे आ जाएगी, बच्चे जो है 5 है, बच्चे 5। हाँ ये वाइट है ना, ये 4 वाइट है, काला 4 वाइट और एक काला। हाँ वो भी निकाल लो। अच्छा अच्छा, आओ दादा, वो मुर्गे 3 मुर्गे है। हाँ हाँ 3 मुर्गे, आप व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं कि हमारे दादा के पास 1, 2, 3 पूरे 15 दादा मुर्गा। हा? पूरे 15 है क्या टोटल? 11 टोटल, 11 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक ब्रीड्स है, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कि आप जगह पर बहुत साफ और क्लीन डेली क्लीन करते हैं। डेली क्लीन रखना, क्लीन रखे तो अच्छा रहता है, क्या जो मच्छर नहीं पैदा होते, मच्छर जो हो जाए ना तो बीमारियाँ पैदा होती। अच्छा अच्छा दादा, और आप खाने में अब क्या क्या देते हैं दादा? अब इसमें देखो मैं, चावल है, बाजरा है, चावल, बाजरा, घी है। हाँ अच्छा अच्छा, डेली यही खाते रहते हैं दादा। और इसे समर में क्या डालते दादा? समर धूप काला, धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में टाइम पे ज़्यादा करके अंगूर इस्तेमाल करते हैं। हमें अंगूर है, कलंगड़ा है, अंगूर, कलंगड़ा, ठंडी की चीज़ है, ठंडी के ग्लूकोज का पाउडर भी लेके आते हैं, ग्लूकोज का पाउडर भी डालते हैं। ग्लूकोज पाउडर मिलता है वो पानी में मिला के देते हैं। अच्छा अच्छा, ज़्यादा धूप है उसे ठंडा पानी से नहलाते भी हमें, ठंडा पानी से नहलाते, धूप का ठंडा पानी से नहलाते जब अच्छा रहता। अच्छा अच्छा, और आप एक वाइट को पकड़ कर दिखा सकते हैं दादा, एक वाइट मुर्गा, एक बस ये देखिए, देख सकते हैं कि आप दादा ने मुर्गा दादा हा? मुर्गा मुर्गा वाइट मुर्गा, तो मुर्गा, वाइट मुर्गा। अच्छा एक अच्छा बड़ा वाला मुर्गा, ये एक अच्छा ओ मुर्गी दिखा दादा। हाँ मुर्गा, मुर्गी दिखा दादा। हाँ दादा, ये क्या दादा, और ये कितने महीने की है दादा? ये साल की है। ये साल की है क्या दादा? साल की, ये अंडे की है। अच्छा अच्छा, इसी के क्या वो बच्चे हैं सो? हाँ, अच्छा अच्छा, इसी के 3 बच्चे, इसी के क्या है क्या? साल के नहीं, ये 9 महीने की है। 9 महीने की है, 9 महीने की है। अच्छा अच्छा दादा, और ये कितना कॉस्ट दादा इसका? अभी इसका 25,000 पूछे तो भी मैं नहीं दिया। 25,000 पूछे तो भी नहीं दिया? नहीं दिए, क्यों नहीं दिया? तो फिर से मिलना, हमारी मिलना मुश्किल, फिर से मिलना मुश्किल। हाँ, है आपको ये मुर्गी पूछे, वो भी जो लाल मुर्गी है ना वो भी पूछे हमारे को। अच्छा अच्छा दादा, वो आईजा वाले पूछे थे 18,000 को, नहीं बोला मैं, 18,000 को पूछे थे। हाँ अच्छा दादा, और इसकी खूबियत क्या है, और इसमें क्या स्पेशल है? इसके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, क्वालिटी भी है इसकी। चोंच है ना, छोटी चोंच है, एकदम छोटी चोंच है क्या, और मोटी चोंच। अच्छा,
आंखें जो है साइड में वाइट पना है, वाइट पन है आंखें, वाइट आंखें तो अच्छा रहता है, डिमांड रहता है उसे। अच्छा और क्या, कितने अंडे दे रही दादा ये महीने में? 12 अंडे देती है महीने में, 12 अंडे देती है। 12 अंडे, फिर अंडे कब देना शुरू करती है? देने के बाद में, फिर देने के बाद 20 दिन के बाद, फिर 12 अंडे देकर फिर 20 दिन गैप देकर, 20 दिन गैप देती है, कुड़ुक बैठती है ना, कुड़ुक बैठती है, 20 दिन के बाद में देती है, फिर 20 दिन के बाद में देती है दादा। अच्छा अच्छा, आप इधर ही रहते दादा दिन रात शाम? और ये आपका घर है? हाँ ये घर, अच्छा अच्छा, भाड़े पे है, भाड़े पर है दादा। अच्छा अच्छा, आप घर में बहुत शौक है, कितने साल से आप मुर्गियों को पाल रहे हैं? 4 साल हुआ। 4 साल से है क्या आपको शौक है? हाँ 4 साल। अच्छा अच्छा दादा, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा आपके साइट को देखकर, बहुत खुशी हो रही है, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा, अच्छा दिख रहा दादा। और आप कुछ बोलना चाहेंगे दादा इसके बारे में? क्या कुछ तो भी आपको राह देना चाहेंगे, कुछ तो सलाह देना चाहेंगे दादा? सलाह देना चाहिए बोलो कि इसके ऊपर बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी निगरानी रखनी पड़ती है। अच्छा। और ये क्या है, तो कब किस टाइम पे कौन सी बीमारी आती पता नहीं, कब किस टाइम? हाँ अच्छा, इसके ऊपर निगरानी रखना, इसके ऊपर जानकारी भी रहना। अच्छा हाँ, और ये क्या है बोलो तो इसमें क्रॉसिंग के रहते हैं, सैलम का मुर्गा रहता है तो मुर्गी बेड्स की रहती है, वो क्रॉसिंग पड़ता है, वो पहचानना चाहिए। अच्छा अच्छा, और ये क्या है बोले तो इसमें फायदा तो होता है मगर पैसा बहुत खर्चा करना पड़ता है। और ये क्या है बोले तो दिमाग वाला आदमी रहना, दिमाग वाला आदमी, हाँ जानकार रहना, चालाक आदमी रहना तो उन्हें पार पड़ता, दीवाना रहते तो काटने वाले बहुत है। अच्छा अच्छा, आपको सेलिंग्स होते रहते हैं क्या दादा आपके पास? सेलिंग होते रहते हैं मगर कम रेट में पूछते तो मैं नहीं देता हूँ, कम रेट में हाँ। पूछते तो नहीं, क्यों बोले तो मैं जो बच्चे रहने को जो वो 3 मिला के 30,000 को लिया हूँ, 3 मिला के 30,000 हाँ। अच्छा, 4 महीने के बच्चे थे फिर। अच्छा अच्छा, अब तुम वो 10,000 के पूछे मैं कैसे दो, लिया सिर्फ 10,000 के, 3 बच्चे 30,000 को लिया हूँ। अच्छा सही, टोपी डालने वाले बहुत आते हैं, बहुत होशियार रहना पड़ता है। अच्छा हाँ ओके दादा, शुक्रिया दादा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आपका बताने के लिए। और व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, मुर्गा शानदार बहुत अच्छा है दोस्तों, मुर्गा ये देख सकते हैं। और इसका प्राइस ने दादा ने बोला था कि 15,000, और दादा का रूम है ये, आप रूम में देख सकते हैं कि घर में भी जाकर रहते हैं ये, तो ये देख सकते हैं। आपको किसी तो मुर्गा चाहे या कुछ भी चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, ये देखिए। और ये दादा का प्लेस है जहाँ पर मुर्गे सब लोग सब पालते हैं, सब करते हैं, ऐसा है। और ये इसके बच्चे हैं सेलिंग्स पर, और एक बच्चा आकर 5,000 रुपये बोल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप बच्चा। और दादा और यहाँ पर भी मुर्गे है, ये भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। और यहाँ पर भी मुर्गे है, सब सब ब्रीडर्स है, सब सैलम ब्रीड है, और वो एक पीकॉक ओमर है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ओके दादा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर से हमारे व्यूवर्स को कुछ काम है तो, अगर से कुछ मुर्गा ख़रीदना है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे दादा। अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ नॉलेज बताया, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे में इतना रहेगा और इतना। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे नीचे दादा मिल गया, पसंद आया, सब लोग को वीडियो शेयर करेंगे, अगर किसी को पसंद आया, किसी अच्छा दिखा तो आपसे आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे दादा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, चलता हूँ दादा।
किलो 30 रुपये खर्चा। अकलो भी 480 रुपये पाव के जी, 8 दिन तक चलता। अब दूध रोज के 10 रुपये का, बादाम 10 रुपये का, पाकलोड का रोज के 10 रुपये लगा तो रोज 30 रुपये, रोज को 30 रुपये डालते हैं ऐसे खाने कुछ। हाँ रोज ही तो दोनों की फिर 60 रुपये जाते रोज के। हाँ ये दूध कैसा पिलाते हैं? दूध इससे डालते हैं, दूध से। और देख सकते हैं रोज अंगूरा। हाँ रोज डेली क्या भी मिडामिन सर का ना ये भी। हाँ सर ताकत की चीज है। अब जरा ठहर रहा है ये, मैं तो सेम ऐसे बैठे पड़ता था। अच्छा अच्छा बहुत दवाएं डाला बेजान लिया मैं आखिरी में, कम से कम अभी तक 3000 रुपये गए मेरे, क्या अभी फ़र्क नहीं पड़ा। खाली दवाएं कुछ? खाली दवाएं कुछ। अच्छा अच्छा हाँ हाजोनी से भी लाया, यमुनूर से भी लिया, खरहुल से भी लाया, क्या फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन ऐसे देखते बैठा था तो व्हाट्सएप में जन मुसलमान का अखरोट बादाम अंडा दूध दूध अच्छा गरम करके अखरोट इसमें डाल दो तुम। अच्छा, एक 8 दिन खिलाओ क्या, 6 दिन के, 6 दिन के अंदर मैं ठहरेंगे देखो बोला। अच्छा वैसे तो ये दूध कैसा पिलाते हैं? उससे सिरिंज से डालते हैं? सिरिंज से डालते। अच्छा अच्छा ऐसा हर एक मुर्गे को पिलाते रहते हैं। हाँ। स्टडी हुआ तो क्या, तो कम से कम नहीं तो 30,000 के ऊपर जाता भी नहीं। 30,000 ऊपर। और क्या है तो अब ये तो बेचना नहीं कर रहा, बस ये बहुत तो बाहर से लाना बोले तो नहीं हो तो 40,000 30,000 50,000 कहाँ से ला दें। परसों में 2 महीने नहीं थे 30,000 का मुर्गा मुर्गा मेरा 30,000 का मुर्गा 30,000 का मुर्गा। हाँ हाँ अब इन खाने पे एज देते रहते हैं क्या तुम्हें? हाँ ये। अच्छा अच्छा रोज़ भी अंगूर बादाम अखरोट अखरोट सो भी। हाँ ये मुर्गा कितना कितना पड़ता है मुर्गा? अब ये मुर्गा 25,000 से तो नीचे नहीं मिलता मैंने। 25,000 से नीचे नहीं, 25,000 से नीचे नहीं मिलता। अभी बच्चा है ना और जो अच्छा स्टडी हो जाएगा ना ऐसा 40,000 पूछे तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा इसका ब्रीड का नाम क्या, कौन सा ब्रीड है ये? सैलम ब्रीड। सैलम ब्रीड। अच्छा अच्छा सैलम ब्रीड पूरे सैलम ही चाहिए था पूरे सैलम। अच्छा क्या टांगा सीधे होना मेरे को तो अभी तो जरा बेहतर है। अल्लाह पूरे जो क्या अल्लाह बंदा बताया इंशाल्लाह अच्छा हुआ और जो है उसे क्या करना समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा